नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है मोटरसाइकिल के साइड इंडिकेटर को रिपेयर करने के ऊपर। अगर आपकी मोटरसाइकिल के साइड इंडिकेटर का स्टे, जिसे ज्यादातर लोग जस्ट रबड़ बोलते हैं, वो टूट गया है, तो ऐसे में आप इस इंडिकेटर स्टे को चेंज करके अपने मोटरसाइकिल के इंडिकेटर को जो एकदम नया जैसा बना सकते हैं और इसे पूरी तरह से रिप्लेस करने के खर्चे से बच सकते हैं। मैं ये वीडियो पल्सर 150 में बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास में चाहे किसी भी ब्रांड की मोटरसाइकिल हो, सभी के लिए जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहेगा। अभी मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि इसका जस्ट ये रबड़ टूटा है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है प्रॉपरली वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो लाइट जल रही है, इंडिकेटर स्टे को चेंज करने के लिए आपको साइड इंडिकेटर को पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइड पैनल को ओपन करके अपनी सीट कवर को जो रिमूव कर लें। इसके बाद में आपको इंडिकेटर के कनेक्शंस को ढूंढ लेना है, जो कि ज्यादातर बैक साइड पे रहते हैं, और उस इंडिकेटर के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देना है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। मेरे केस में ये राइट साइड वाला है, तो मैं राइट साइड वाले इंडिकेटर के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ये रहे राइट साइड वाले इंडिकेटर के कनेक्शंस, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये आफ्टर मार्केट इसमें लगाए गए हैं, और पहले के जो मोटरसाइकिल में कनेक्टर्स है कुछ इस तरह के आते थे, और अभी ये कुछ बुलेट टाइप के मेल कनेक्टर्स लगे हैं, बाद में मैंने चेंज कर दूंगा। इसके बाद में वायर्स को आपको इस पाइप से होते हुए नीचे की तरफ को खींच देना है। आप नीचे से भी खींच सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों ये जो कनेक्टर्स हैं एक साथ इस पाइप में ना जाएं, एक एक करके इनमें से डालते हुए नीचे से वायर को खींच लें। इसके बाद इस 13 नंबर के नट को ओपन करके इंडिकेटर को बाहर निकाल लें। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो बाहर निकल चुका है। अब हमने जो इस इंडिकेटर को ओपन करना है, और इसे ओपन करने के लिए अगर आप देख पा रहे हो बैक साइड पे यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, हो सकता है कि आपके केस में इस जगह पे स्क्रू लगा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे ओपन कर लें। इसे ओपन करने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको इस कवर को सिंपली इस तरह से आगे की तरफ कर देना है, और कुछ एक मोटरसाइकिल में इस जगह पे भी लॉक लगा रहता है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ध्यान से इस तरह से इसको डालते हुए धीरे धीरे से बाहर की तरफ को खींच लेना है। ये आराम से बाहर निकल आता है। इसके बाद सिंपली इसकी जो ये वायर है आपको इसे पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है, और यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो कनेक्टर्स हैं ये एक साथ आपको इस यहाँ से इस जो ये बोल्ट टाइप दिया हुआ है इसके बीच में से नहीं निकालना है, एक एक करके आपको इसमें से ये निकलनी चाहिए, वरना ये यहाँ पे फंस सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पहले एक कनेक्टर को मैं अंदर डाल दूंगा, जो वायर है उसे धीरे धीरे खींच लूंगा। काफ़ी ज़्यादा टाइट है क्योंकि शायद इसमें जंग वगैरह लग चुका है। ये देखिए, ये यहाँ पे निकल चुकी है, और इसी तरह से हम इसे पूरी तरह से निकाल लेंगे। देन इसके बाद में ये जो हमारा इंडिकेटर स्टे है, जो रबड़ है, ये बहुत ही आराम से बाहर निकल आती है। आपको इसे धीरे धीरे से बाहर की तरफ को निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे क्लीन कर सकते हैं, मैं भी इसे क्लीन कर लेता हूँ। और आपको जो बाज़ार से अपनी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिकेटर स्टे ये ले आना है। ये आपको लगभग 40 रुपये का मिलता है। इंडिकेटर स्टे को इंस्टॉल करते टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे एक पिन दी हुई है ये इस तरह से लगे, कुछ इस तरह से आए, और आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर इस तरह से ही लगना चाहिए। और जो पिन की डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं, ये पिन इसलिए दी जाती है ताकि ये जो आपका इंडिकेटर ये वाइब्रेट ना करे, मूव ना करे, ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से रोटेट ना कर जाए, अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही बना रहे। और इसका एक बेसिक सी सेटिंग भी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो शेप है ये कुछ इस तरह की शेप है, और इस तरह से ये मैच करता है। प्लस ये जो बैक साइड है, हमेशा जो ये इसकी पिन है ये इसकी बैक साइड पे ही रहती है, तो आपको कुछ इस तरह से इसे इंस्टॉल करना है। तो अब हम इस इंडिकेटर स्टे को जो इंस्टॉल कर देंगे, और इस पिन का ध्यान रखते हुए ये बिल्कुल इसकी बैक साइड पे जाएगी, और इसकी जो शेप है उसे भी मैच करते हुए यहाँ पे इसे धीरे धीरे जो है अंदर डाल देंगे,
और मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप यहाँ पे किसी लुब्रिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे पूरी तरह से अंदर तक डाल देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंदर तक जा चुका है। इसके बाद में ये जो हमने वायर्स निकाली थी, इन वायर्स को अंदर डालेंगे, और उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो कनेक्टर्स हैं ये एक एक करके अंदर जाएं, दोनों एक साथ ना हो। ये देखिए हमारी जो वायर्स हैं वो अंदर जा चुकी हैं। इसके बाद में सिंपली आपको इसे जो है वो लाइट को प्लेस कर देना है, और ये जो स्क्रू है इसे टाइट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुराने वाला इंडिकेटर है बिल्कुल एकदम नया जैसा हो चुका है। अब हमें इसे सिंपली जो है वो मोटरसाइकिल पे इंस्टॉल कर देना है। सबसे पहले इस नट और वॉशर को जो ओपन कर ले, इसके बाद में अपनी जो वायर्स हैं इन्हें पहले इस होल से होते हुए डाल दे, और जो ये पिन है इसका जो ये होल बना हुआ है इसमें से इस तरह से लगा दें, और जो वायर्स हैं इनमें दोबारा से ये जो वॉशर है इसे पहले डालें, देन जो नट है उसे डाल के इस नट को जो वो टाइट कर दें। इस नट को स्पैनर से टाइट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे ओवर टाइट ना कर दें, और ये जो वॉशर रहती है ये बिल्कुल फ्लैट जब हो जाती है तो उसके बाद इसे आप टाइट करना बंद कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो ये न्यू स्टे है, इंडिकेटर स्टे है, ये क्रैक भी हो सकता है। देखिए मेरे केस में जो वॉशर है वो बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, तो जैसे इसे अब यहाँ तक मैं टाइट करूँगा, इसके बाद टाइट नहीं करूँगा वरना जो हमारा स्टे है वो टूट सकता है। देन हमें ये जो वायर्स है इस होल से होते हुए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ को निकाल देनी है, और ऊपर से इन्हें इस वायर को खींच लेना है। इसके बाद में इन इंडिकेटर वायर्स के जो कनेक्शन कर दें, ग्रीन वायर यहाँ पे पॉजिटिव की वायर है तो इसे मैं पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, और जो ब्लैक में येलो वायर है ये हमारी नेगेटिव की वायर है, इसमें मैं नेगेटिव कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्शन करने के बाद में अपने इंडिकेटर को ज़रूर चेक करें कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे केस में जो साइड इंडिकेटर है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, अभी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो फ्लैशर है वो ख़राब है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल के साइड इंडिकेटर को जो रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।